हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। हाय गाइस, हाय एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गाइस, मैं इंद्रजीत सिंह आपका अनअकैडमी सीबीएसई लाइव डेली पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चा जी, अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। राइट गाइज, हाय एवरीवन। गाइज, मैं इंद्रजीत सिंह अगेन, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हो भाई? हाय एवरीवन, ठीक है ना? वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हाय। तो गाइज, मोस्ट वेटेड सेशन इज यूजुअल, कल हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया है। हाय रोहित, हाय सरोज, हाय एसडीएम, हेलो अक्षा, हाय ऋषि, हाय नंदिनी, हाय बच्चा, हाउ आर यू? तो गाइज, एज यूजुअल कल ही हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया है। कल मैंने आपको एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था, वैलेंस बैंड के बारे में बताया था, कंडक्शन बैंड के बारे में बताया था। राइट बच्चा जी, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, राइट, उसके बारे में भी मैंने बताया था। यस्टरडे वी मूव ऑन टू द वेरी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स अबाउट दैट स्पेसिफिक फंडामेंटल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। राइट, आया, समझ में आ रहा बेटा? तो आज सेमीकंडक्टर का एक नया पार्ट की तरफ चलते हैं हम, जिसको हम कहते हैं डायोड्स। रॉकी कुमार कह रहा है स्मार्ट बोर्ड लगाइए सर। बेटा जल्दी, ठीक है, बढ़िया है, सही है। हाय धीरज, हाय नेहा, हाय काजल, ईशान, नंदिनी, अभिषेक, शिवम, ओके, रॉकी कुमार स्मार्ट बोर्ड लगाइए, ओके, हाय करण। सो गाइज, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, राइट बच्चा जी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीटली अबाउट द सेमीकंडक्टर डायोड्स। राइट, डायोड्स देखने वाले हैं, पीएन जंक्शन डायोड देखने वाले हैं, जेनर डायोड देखने वाले हैं, एलईडीज देखने वाले हैं, फोटो डायोड्स देखने वाले हैं। राइट, ओके शिवम बेटा, अब हर बार पूछते हो सेशन में आके, मेंटी होगा आपको पता होना चाहिए, आप इतने इस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हो तो। राइट, कि मेंटी कब का बंद हो चुका है। राइट, सही है, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रहे। हाई रिचा, हाई समर्थ, हाई ब्रजेश, हेलो भद्र जी, हेलो योग लक्ष्मी। सो गाइस, शैल वी स्टार्ट एवरीवन? हाई नेहा, हाय अलाउद्दीन, यस बच्चा जी, हाय गुड आफ्टरनून जय, विनीता, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ओके चलिए गाइज, जिन लोगों के लिए मैं नया हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, आप मुझे बुला सकते हो आईएएस भैया, हैविंग 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हर बार मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, और वो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। राइट बच्चा जी, आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाने वाला है, डोंट गेट वरीड। राइट बच्चा, है ना? चलिए गाइस, तो ऑसम डायोड के एक्सप्लेनेशन देंगे आज, ऑसम विजुअलाइजेशंस के साथ। आज तो एकदम दबा के विजुअलाइजेशंस आने वाले, तो बने रहिएगा। अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम है लिंक, राइट, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके इस लिंक को बस कर दीजिए एंटर, इससे आप मुझसे कर सकते हैं सीधी बात। और गाइज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बात कर देता हूँ। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस। राइट, आया ना? यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मोर देन 2.5 लाख पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन, सो इट मींस कुछ तो जबरदस्त होगा। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इस कोड को प्रेस करके तुरंत तुरंत ज्वाइन कर लो। राइट बच्चा जी, ओके, तो गाइस शुरू करते हैं। आज शाम को, वेनसडे को रखी है मैंने एक स्पेशल क्लास, लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर यू ऑल, जहां मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। राइट, जहां मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा पढ़ाई के रिलेटेड, किस तरीके से प्रिपेरेशन करनी चाहिए, व्हाट एवर डाउट्स यू आर हैविंग, काइंडली विजिट द अनअकैडमी ऐप, इट विल बी द लाइफ चेंजिंग सेशन, आई वुड बी वेटिंग फॉर यू ऑल। राइट, ओके चलिए, सो आज का जो सेशन रहेगा वो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ हमारा बीतेगा। हाई नेहा, हाई लव कुश, हाई सुहानी, हाई दक्षता, गौरव, गौरव सलूजा, यस, हाई नेहा, हाई एवरीवन, हाई सुहानी 21, हाई गाइज। तो आज का जो हमारा सेशन निकलने वाला है वो कुछ इस तरीके के विजुअलाइजेशंस के साथ निकलने वाला है। यही है सेमीकंडक्टर की दुनिया, डायोड्स। डायोड खुद नाम में कुछ कहता है, डायोड टू जंक्शंस को बना के कंबाइन करके बनाया हुआ एक डिवाइस। राइट, टू जंक्शंस को कंबाइन करके बनाया हुआ एक स्पेसिफिक डिवाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, डायोड। राइट बच्चा, और बहुत सिंपल सी चीज है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखने वाले आज, जेनर डायोड के बारे में देखने वाले हैं, फोटो डायोड के बारे में देखने वाले हैं, एलईडीज के बारे में। देखो, ये हो जाएगी आपकी पीएन जंक्शन डायोड, ये हो जाएगी जेनर डायोड, ये हो जाएगी फोटो डायोड, सोलर सेल्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, और लाइट एमिटिंग डायोड,
इतनी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। हाई राजीव, हाई परीक्षा, पुलकित, हाई एस गहलोत, हाई पुलकित, हाई गाइस, हाई नमिता। तो भाई मजा तो आने वाला एकदम बेहतरीन तरीके से, ऑसम से मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड बहुत सिंपल है, बहुत सटीक सा मतलब है, ज्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, राइट। पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, राइट बच्चा जी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो यहां होल्स है जो एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज पजेस करते हैं, और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट बच्चा जी। इन दोनों को कंबाइन करके एक जंक्शन बनाया जाता है, एक जंक्शन डायोड बनाया जाता है, राइट, जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। बेटा विजुअलाइजेशन तो बहुत ऑसम आने वाले हैं, राइट। हर बार की तरह यू आर गोइंग टू एंजॉय द ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक सेक्शन, ईच एंड एवरी मोमेंट। और जनरली बच्चों को इन तरीके की चीजों में, इनसे इस तरीके की सेशंस में मजा इसलिए आता है क्योंकि सारे डिवाइसेस रहते हैं, राइट, एंड इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ द डिवाइसेस। इफ यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स देन इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डील विद, अगर आप बीएससी एमएससी करोगे देन आल्सो यू आर गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ द डिवाइसेस। इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीजें ज्यादा है, राइट। ऋचा वर्मा बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए जो बेटा आज तक हमने कल वाले सेशन में काफी से फंडामेंटल्स हमने क्लियर किए थे, तो आप उसको एक बार जरूर जरूर देख लीजिएगा, राइट। राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक सिंपल सा सटीक तरीका यही है, पीएन जंक्शन डायोड, राइट, पी टाइप एन टाइप इकट्ठा कर दिया, एक डिवाइस बना जिसको हम कहते हैं डायोड, द पीएन जंक्शन। क्लियर बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, और विजुअलाइजेशन में हमें कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, राइट। यहां पे कुछ ना कुछ फिनोमिनाज हो रही है, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, सो डोंट गेट वरीड, राइट। ये पी जंक्शन है, ये एन जंक्शन है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, एक साइड मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, एक साइड मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो आगे क्या होगा, किस तरीके की फिनोमिनाज होगी वगैरह वगैरह हम चीजें, राइट बच्चा जी। थैंक्स गौरव, थैंक्स गौरव सिंह भैया, टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, थैंक्स बच्चा, थैंक्स अ लॉट। तो सारे बच्चे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बता दो, पीएन जंक्शन डायोड का मतलब सबको पता चल गया? पीएन जंक्शन डायोड का मतलब सबको पता चल गया बेटा? एवरीवन, सारे बच्चे एवरीवन, राइट, आया ना, ठीक है बच्चा जी, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, ओके, आगे चलते हैं, विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। फिजिक्स में बिना विजुअलाइजेशन के कुछ मजा नहीं आता, फिजिक्स में बिना विजुअलाइजेशन के कुछ मजा नहीं आता। तो यहां पे ये कह रहे हैं, देखो ये विजुअलाइजेशन में ध्यान से देखो, पी एन दूर है, नजदीक आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल्स इधर जा रहे हैं, और बीच में एक लाल कलर की सेपरेट लेयर बन रही है, ये क्या हो रहा है, इसकी डिटेल डिस्कशन करना रिक्वायरमेंट है ना। पी एन दूर है, देखो नजदीक आए, इलेक्ट्रॉन इधर गए, होल्स इधर गए, और एक नया रेड कलर का रीजियन बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज है ना, राइट, ये सारी चीजें देखने लायक है, समझ में आ रहा है ना, ये बच्चा जी। तो यहां पे सिंपल सी चीज है, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को हम जोड़ेंगे, पी में ज्यादा क्या उठते हैं होल्स, एन में ज्यादा क्या उठते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों टर्मिनल्स को हम जोड़ने वाले तो बीच में जो जंक्शन होता है, समझ में आ रहा है, उस जंक्शन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट साइड एक अट्रैक्शन बढ़ती है, यहां के इलेक्ट्रॉन सारे होल्स को खींचेंगे, यहां के होल्स सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहे, इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है, होल पे वर्चुअल चार्ज होता है, इट इज अ नॉन एग्जिस्टिंग चार्ज, वर्चुअल चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जैसे लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट जाने की ट्राई करेंगे तो वहां होल इकट्ठा होंगे, मतलब होल ट्रांसफर नहीं होते, होल एक तरीके का इल्यूजन प्रोड्यूस होता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, वो एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं, राइट बच्चा जी। तो हमें देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, राइट बच्चा जी, तो अपनी जगह पे एक होल क्रिएट कर रहा है, तो हमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि होल राइट साइड जा रहा है, इसका डिटेल डिस्कशन में करूंगा, डोंट गेट वरीड। लेकिन यहां पे मैं आपको इंपल्सिव चीज ये बताना चाहता हूं, क्या ये विजुअलाइजेशन सबके दिमाग में 100% क्लियर है, किस तरीके से डायोड बनती है,
ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। पहले मुझे आपकी तरफ से ये चीज पता होनी चाहिए कि ये विजुअलाइजेशन में सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। द पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर बेटा एवरीवन? चलिए, तो ये हमने पीएन जंक्शन डायोड का एक विजुअलाइजेशन देखा। आइए आगे चलते हैं बेटा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लो। समझ में आ रहा है? पी टाइप में मेजोरिटी क्या होते हैं इस विजुअलाइजेशन में, देखो होल्स। एन टाइप में मेजोरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब पी टाइप से होल्स इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, धीरे 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 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके बीच में, मैंने पिछले वाले विजुअलाइजेशन में बताया, बीच में एक लाल कलर का एक सेपरेट रीजन बन रहा था, बीच में लाल कलर का एक तरीके का सेपरेट रीजन बन रहा था। उस सेपरेट रीजन को कहा जाता है डिप्लेशन रीजन। व्हाई, मैं बताने वाला हूं, डोंट गेट वरी, क्यों उसको डिप्लेशन रीजन बोला जाता है, व्हाई, और वहां पे क्यों पोटेंशियल आती है उसका भी मैं रीजन देने वाला हूं, और किस तरीके से सर्किट का कनेक्शन होता है तो इस तरीके के डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट हमें मिलते हैं, वो भी मैं देने वाला हूं। अगर सर्किट में माइनर चेंजेस अगर हो जाते हैं तो शायद इस तरीके का इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीजें निर्धारित करती है, राइट बच्चा जी, किस तरीके से जंक्शन को कनेक्ट किया जाता है, वगैरह 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 बेटा। तो ये विजुअलाइजेशन में मैं एक सिंपल सी चीज ये बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन इन टू द पी रीजन, यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं और होल, एक्चुअली क्या है, होल डिफ्यूज नहीं होते, होल कभी भी डिफ्यूज नहीं होते, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से यहां गया, यहां एम्प्टी स्पेस है, यहां से यहां गया, यहां एम्प्टी स्पेस है। देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां गया, यहां एम्प्टी स्पेस है, यहां से यहां गया, यहां एम्प्टी स्पेस है, यहां से यहां गया, एम्प्टी स्पेस है। तो यहां से यहां गया तो वो चार एम्प्टी स्पेस क्रिएट करके गया, एक्चुअली वो चार एम्प्टी स्पेस नहीं है, वो अपनी जगह बदल रहा है ना, यहां से यहां बहुत तेजी से जाता है, तो हमें उल्टा लगता है क्या कि होल्स लेफ्ट साइड बहुत तेजी से जा रहे हैं। इसका हम डे टू डे लाइफ पे एग्जांपल देते तो काफी लोगों ने हेलीकॉप्टर के चॉपर्स के ब्लेड्स देखे होंगे, चॉपर के ब्लेड्स आपने देखे होंगे, कभी कभी इतना तेजी से घूमते हैं, इतना तेजी से घूमते हैं कि हमें लगता है स्टेशनरी है, इट इज अ काइंड ऑफ एन इल्यूजन फॉर अस। सिमिलरली द सेम काइंड ऑफ द इल्यूजन इज देयर, एक्चुअली वहां पे इकट्ठा होते ही है, राइट, समझ में आ रहा है? डिप्लेशन बैरियर पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वर्चुअल चार्जेस होती है वो खाली जगह होती है, वहां पे चार्ज नहीं होता, वर्चुअल चार्ज नहीं होता, वो खाली जगह होती है, एक साइड खाली जगह, एक साइड सारे इलेक्ट्रॉन। तो खाली जगह वाले सारे हिस्से को कहते हैं द रीजन ऑफ होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स वाले सारी जगह को कहते हैं द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ये फिजिक्स जी कोई है पहले, ये फिजिक्स करके जो कोई कमेंट कर रहा है ना भाई, पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आता था, राइट, उसके पहले कोई और नाम से आता था, फिर संतु 554 के नाम से आ रहे हैं, राइट, अभी भैया को रोज हमारे क्लास में आके पहली बार कमेंट करके, समझ में आ रहा है ना, मजा आता है, भैया जी इतने फ्री हो, समझ में आ रहा है ना, तो देश की बॉर्डर पे चले जाओ यार, देश को बहुत जरूरत है युद्ध की, समझ में आ रहा है ना बेटा, इतना क्यों इंटरेस्टेड हो इंद्रजीत सर और आईएएस भैया की क्लास में आके कमेंट करने में, इतना मत इंटरेस्टेड रहो, आपको पसंद है तो बैठो, अदरवाइज आपकी मर्जी, राइट बच्चा जी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। चलिए, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, आगे चलते हैं बच्चा जी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एंड रीजन, राइट बच्चा जी। अब देखिए बैरियर कैसे बनता है, मैंने आपको बीच में लाल वाला हिस्सा बताया, राइट, मैंने आपको बीच में लाल वाला हिस्सा बताया, राइट बच्चा जी। तो ये बैरियर कैसे बन रहा है, इस पर पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, कोर कॉन्सेप्ट कंप्लीटली, और उस बैरियर पे एक तरीके का, राइट बच्चा जी, पोटेंशियल भी आता है, यहां पे बैरियर बन रहा है बच्चा जी, और यहां पे एक तरीके का पोटेंशियल भी आता है, राइट, और वो पोटेंशियल क्या है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले, राइट, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर सबके दिमाग में बैठी हुई। अब देखिए डिप्लेशन रीजन यहां पे सारा बन गया है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, होल वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो देखो यहां से सारे नेगेटिव रीजन से सारे इलेक्ट्रॉन इधर गए, समझ में आ रहा है, नेगेटिव रीजन से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो गए, समझ में आ रहा है, अब उन्होंने अपनी जगह छोड़ी तो वहां पे वैकेंट स्पेसेस क्रिएट हुए होंगे, वैकेंट स्पेसेस इस तरीके से आ गई,
तो वैकेंट स्पेसेस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, राइट, तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया। वैकेंट स्पेसेस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर दिया, और इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन ने क्या, वो तो अपनी स्पेस से हट ही गए, राइट, वो कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट होंगे, समझ में आ रहा है, जो उनको एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोलैरिटी गेन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन ये सारी स्पेसेस मैं अपनी जेब खाली कर रहा हूं, मैंने स्पेस दे दी, मैंने मेरे सारे इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट कर दिए, तो ऐसे होते होते बीच में एक बड़ा सा बैरियर बन जाता है, समझ में आ रहा है, जिसको कहते हैं डिप्लेशन रीजियन, या फिर आप कह सकते हो डिप्लेशन बैरियर, समझ में आ रहा है, बीच में एक बहुत बड़ा सा रीजन बन जाता है जिसको हम कह सकते हैं डिप्लेशन रीजन, या फिर हम कह सकते हैं डिप्लेशन बैरियर, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, क्लियर है। अब यहां पे सबसे मुद्दा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या यहां पोटेंशियल आएगा, क्या यहां बैरियर पोटेंशियल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, यस और नो? ओके, आई थिंक आई एम बैक, इट्स ओके, बैरियर बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, डिप्लेशन रीजन है जो बीर में बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो पोटेंशियल, क्या उसकी पोटेंशियल होगी, क्या उस बैरियर की पोटेंशियल होगी? तो मैं कहना चाहूंगा यस। वाई? अगर यहां पे चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। डायोड बेटा परीक्षा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, डायोड का मतलब सिंपल है, एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल को इकट्ठा कर दिया, एक जंक्शन बना दिया, जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। डायोड डायोड दो रीजन को इकट्ठा करना, दो तरीके के मटेरियल को इकट्ठा करना, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं ये बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यही बोल रहा हूं, क्लियर बेटा? हाय ना, सही है एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो बता देंगे, ठीक है ना बच्चा जी? हाय ना, सारे इधर ध्यान दे देंगे भाई, बाकी सारी की में चीजें चलती रहेंगी, डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे, चलती रहेंगी, ठीक है बच्चा जी? हाय ना, मुझे बता रहा ना, सारे एक दूसरे की जगह में, वैसे भी इंडिया में लोगों को दूसरे की जगह में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पे अगर चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं, समझ में आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इस बैरियर रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, राइट बच्चा जी, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज। भाई दिलीप थैंक यू बच्चा, थैंक्स अ लॉट यार, चलो कोई नहीं, ठीक है ना, इस बीमारी के साथ झेलना पड़ेगा, इस बीमारी के साथ जिंदा रहना पड़ेगा, ये कॉमेंट आते रहेंगे भाई, चलिए अब ध्यान इधर दे दीजिएगा, ये बीमारी है, समझ में आ रहा है ना, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, राइट बच्चा जी, फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू ED, समझ में आ रहा है? तो V इज इक्वल टू ED से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इस डिस्टेंस को मैं D कहता हूं, तो यहां पे एक तरीके की पोटेंशियल आती है, जिस पोटेंशियल को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं भाई, बैरियर पोटेंशियल क्या है? ये बैरियर पोटेंशियल, राइट बच्चा जी, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन due to the diffusion of electron and holes। मैंने जैसे ही बोला पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेंगे, ऐसे होते 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 दोनों साइड डिफ्यूजन होगा और बीच में एक बैरियर जनरेट हो जाएगा, जिस बैरियर में एक साइड पॉजिटिव चार्जेस होंगे और एक साइड नेगेटिव चार्जेस होंगे। पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और V इज इक्वल टू ED वाली फॉर्मूला से राइट बच्चा जी, V इज इक्वल टू ED वाली फॉर्मूला से क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, समझ में आ रहा है ना। सो द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज सो कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। सिंपल सी डेफिनेशन है, सारे बच्चे प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल पॉइंट, दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, राइट, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए और इसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, राइट बच्चा जी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, राइट बच्चा? हाँ, ठीक है ना, ओके एवरीवन, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स, क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चे? राइट, हाँ ना, समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे? ये बात क्लियर है क्या बेटा? एकदम परफेक्टली क्लियर है सारे बच्चे?
ओके चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। पोटेंशियल बैरियर की हम बात कर रहे हैं, राइट। जर्मेनियम की डेफिनेशन दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है, और आपके सामने एक फिगर है। देखो ये जंक्शन दिख रहा है ना, सारे बच्चे कमेंट में जवाब दे देंगे, भाई ये जो जंक्शन दिख रहा है ना बेटा, हाँ ना, यहां पे एक तरीके का पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। देखो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ये आपको परफेक्टली दिख रहा है, समझ में ना। सर्किट में जैसे सप्लाई की तरह होता है ना, वैसे ही एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सर्किट में जैसे सप्लाई की तरह होता है, वैसे ही एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। दो तरीके के करंट आपके सामने आ रहे हैं, एक है डिफ्यूजन करंट, एक है ड्रिफ्ट करंट। एक है डिफ्यूजन करंट और एक है ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, समझ में आ रहा है ना। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं बेटा, आया ना, समझ में आ रहा है ना। यहां पे ये है, सबसे दिमाग में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, जब हमने ये बच्चा देखा होगा यहां पे, हमने जब ये विजुअलाइजेशन देखा होगा तो सबके दिमाग में ये चीज आई होगी 100%। क्या कि भैया कुछ ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट कुछ ही पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और लेफ्ट से राइट कुछ ही होल्स जा रहे हैं, तो ये कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यहां पे एक सिंपल सी कंडीशन ज्वाइंट हो जाती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वही होल और वही इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर पीएन जंक्शन डायोड है, दो टर्मिनल्स को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं, समझ में आ रहा है, राइट। तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स का क्राइटेरिया होता है, राइट। क्राइटेरिया मतलब इतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना, राइट। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होते हैं ना, एक 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 एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है, तो उसके पास उतनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है तो ही एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है ना। इसी तरीके से यहां पे भी बैरियर पोटेंशियल अगर आपको क्रॉस करना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, अगर आपके पास इतनी स्पेसिफिक एनर्जी है तो ही आप जाएंगे। क्लियरली एवरीवन बेटा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट बच्चा जी, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। तो यहां पे होल जो डिफ्यूज हो रहे हैं पी से एन, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, भले वर्चुअल चार्ज है, तो वो एक तरीके का करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, राइट बच्चा जी, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट, राइट, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होल इलेक्ट्रॉन, होल एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम देयर अदर साइड। पी से एन जा रहे हैं डिफ्यूजन करंट, एन से पी जा रहा है ड्रिफ्ट करंट। पी से एन जा रहे हैं डिफ्यूजन करंट, एन से पी जा रहे हैं ड्रिफ्ट करंट, समझ में आ रहा है, राइट। सिंपल सी चीज मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा जी, बहुत सिंपल सी चीज है, और ये जो डिफ्यूजन है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, यहां से है, देखो चार्ज मूव करता है मतलब करंट आ गया, चार्ज मूव करता है मतलब करंट आ गया, भले वर्चुअल चार्ज है यहां पे, भले यहां पे वर्चुअल चार्ज है। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को हम देखे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को हम देखे थे, क्या था वो डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, क्या थी वो डेफिनेशन भाई, करंट इज एज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो बस यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव साइड, तो उसकी ऑपोजिट साइड वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ द होल्स भी प्रोड्यूस हो रही है और वो वर्चुअली मूव कर रही है, वर्चुअली मूव कर रही है, तो वहां पे एक डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स इट, दैट्स अ डिफ्यूजन करंट। क्लियर बेटा एवरीवन। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया, वही इलेक्ट्रॉन्स बैरियर को क्रॉस करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स, राइट बच्चा जी, ठीक है ना, ओके, बैरियर को क्रॉस करते हैं, राइट बच्चा जी, जिनके पास हाई एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है बेटा एवरीवन, सारे बच्चे इधर ध्यान दे देंगे बेटा, हाँ, उनके पास जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है वही राइट से लेफ्ट जाएंगे ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, समझ में आ रहा है ना,
है बच्चा जी, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस करेंगे। दिस मेक्स करंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, दिस करंट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। दिस करंट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। वजह सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बीच का जो क्लियर डिफरेंस है वो सबको पता चला। एवरीवन, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बीच का जो डिफरेंस है क्या वो सबको पता चला बेटा? एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। तो मैं आपको डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट एक ही विजुअलाइजेशन में बता रहा हूं। एवरीवन, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट एक ही विजुअलाइजेशन में बता रहा हूं, राइट बच्चा? एवरीवन, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चा, मैं डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट एक ही डायरेक्शन में बता रहा हूं, राइट? हाँ, चलिए, समझ में आ रहा है? आगे चलते बेटा। देखो, डिफ्यूजन एंड एक ऐसा स्टेडी स्टेट भी आता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस चले गए, डिप्लेशन रियर डिप्लेशन लेयर भी जनरेट हो गया, लेकिन ऐसा होते 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 काफी टाइम के बाद एक ऐसा स्टेडी स्टेट भी आता है, समझ में आ रहा है ना? एक ऐसा स्टेडी स्टेट भी आता है जहां पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट सेम हो जाता है और नेट करंट हो जाता है जीरो। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट सेम हो जाता है एंड नेट करंट हो जाता है जीरो। व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड द डायोड इज कॉल्ड अनबायस्ड। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट होता है तो इस डायोड को हम कहते हैं अनबायस्ड, और सोर्स जिस तरीके से कनेक्ट होता है उसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस बोला जाता है, राइट? ये ना, उसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस बोला जाता है, राइट बच्चा? थस द ड्रिफ्ट करंट कैन द डिफ्यूजन करंट बोथ आर इन ओपोजिट डायरेक्शंस। बेटा सारे ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? पहले से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव चार्जेस मूव करना स्टार्ट गए, नेगेटिव चार्जेस सारा हो गया डिफ्यूजन ड्रिफ्ट सारा। कुछ वक्त के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं अनबायस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल ईएमएफ कनेक्टेड नहीं है, राइट? मैं एक अनबायस ईएमएफ कनेक्टेड होता तो स्टेडी स्टेट कभी आता ही नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, ईएमएफ कनेक्टेड नहीं है, मैं उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, राइट? ईएमएफ कनेक्टेड नहीं है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चा जी? तो लेफ्ट साइड राइट साइड सब हो गया काफी टाइम के बाद, पोटेंशियल्स भी बैलेंस हो गए, सारी चीजें हो गई, तो एक ऐसा स्टेडी स्टेट प्रोड्यूस हो जाता है जहां पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों सेम हो जाते हैं और नेट करंट जीरो हो जाता है। एंड मैक्सिमम दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चा जी, व्हेनेवर देयर इज द नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड, क्लियर है बच्चा? नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड, राइट बच्चा जी? आइए आगे चलते बेटा, विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, ड्रिफ्ट करंट, राइट बच्चा जी, और किसके बीच में? ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बीच में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट के बीच में, राइट बच्चा जी? समझ में आ रहा है ना? एवरीवन, पी टाइप एंड एन टाइप ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, देखो आपके विजुअलाइजेशन सारी चीजें दिख रही है, राइट? पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है? इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इधर से इधर होल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जैसे होल्स भी वर्चुअली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जैसे होल भी वर्चुअली मूव कर रहे हैं, राइट बच्चा जी? अब ये कब हुआ? स्टेडी स्टेट कभी भी ईएमएफ कनेक्ट करने से कभी भी नहीं आता। सर्किट की कनेक्शन भी दो तरीके से होती है सेमीकंडक्टर में, सर्किट की कनेक्शन भी दो तरीके से होती है सेमीकंडक्टर्स में, राइट? एक होती है पी टाइप, एक होती है एन टाइप, अरे सॉरी, एक होती है फॉरवर्ड बायस और एक होती है रिवर्स बायस। क्या है फॉरवर्ड बायस, क्या है रिवर्स बायस, सारी चीजें मैं बताता हूं, चलिए आगे चलते बेटा। एवरीवन, दो तरीके की बायसिंग होती है बेटा, इतना क्लियर है? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, हाँ या ना? एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जल्दी 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 जवाब दे देंगे, क्या है फॉरवर्ड बायस और क्या है रिवर्स बायस, समझ में आ रहा है ना? वो मैं बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले पीएन जंक्शन डायोड क्या है ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? पीएन जंक्शन क्या, डायोड क्या है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार यहां तक फिर से रिकॉल करवा देता हूं, राइट बच्चा जी? हाँ है ना, तो आपको पता चल जाए पीएन जंक्शन डायोड, राइट? मैं समराइज करवा लेता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। पीएन जंक्शन डायोड, पी टर्मिनल एन टर्मिनल को ज्वाइन, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट बच्चा जी? तो एक पूरा सिस्टम डायोड बनता है जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड।
टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट? ओके, परीक्षा में बता दे रहा हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दोनों की तरफ एक ऑपोजिट अट्रैक्शन हो रही है, दोनों की तरफ एक ऑपोजिट अट्रैक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है बेटा? आया ना? दोनों की तरफ एक ऑपोजिट अट्रैक्शन हो रही है ना बेटा? आया ना? तो यहां पे क्या हो रहा है? सिंपल सी चीज है, राइट बच्चा जी? ठीक है ना? बीच में एक बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम कहेंगे डिप्लेशन रीजन और बैरियर रीजन। ठीक है ना? बीच में एक बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम कहेंगे डिप्लेशन रीजन, राइट बच्चा जी, एंड बैरियर रीजन, राइट? आया ना? बेटा, अब यहां पे क्या हो जाएगा? बैरियर अगर जनरेट हो रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, समझ में आ रहा है? और वो क्या करेगी? एक पोटेंशियल बनाएगी जिसको हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। अब बच्चों को ये एक कंफ्यूजन है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है और ड्रिफ्ट करंट क्या? देखो, होल्स जा रहे हैं पी से एन, डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी, होल्स जा रहे हैं P से N, डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं N टू P, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट। होल्स जा रहे हैं P टू N, समझ में आ रहा है ना? होल्स जा रहे हैं P टू N, इसको हम क्या कहेंगे, राइट बच्चा जी? आया ना? डिफ्यूजन करंट। और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं N से P, इसको हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट करंट। अब क्लियर है बेटा? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, राइट, वो जवाब दे देंगे, राइट? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, राइट बच्चा जी? ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, एवरीवन यहां ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, राइट? हाँ या ना? ये सारे जवाब दे देगा। अब एकदम क्लियर है, राइट? क्लियर है एकदम? अब एकदम क्लियर है बेटा? सारे बच्चे, डिफ्यूजन होल्स की वजह से डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्रिफ्ट करंट, होल्स की वजह से डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए, फॉरवर्ड बायस, हाउ कनेक्शन इज मेड, इसको हम कहते हैं बायसिंग। हाउ कनेक्शन इज डन, इसको हम कहते हैं बायसिंग, राइट? हाउ कनेक्शन इज डन, इसको हम कहते हैं क्या? बायसिंग। दो तरीके की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, राइट? पीएन जंक्शन डायोड पे एक बैटरी लगती है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड बायस, राइट? अब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ उल्टा कनेक्शन हमने दे दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हमने दे दिया, समझ में आना? बायसिंग, सबसे पहले तो आप दिमाग में ये चीज क्लियर कर दो, बायस क्या है, बायसिंग क्या है? सर्किट को कनेक्ट करने का तरीका, सर्किट को कनेक्ट करने का तरीका, समझ में आ रहा है ना? सर्किट को कनेक्ट करने का तरीका, इसको क्या कहते हैं? बायसिंग। समझ में आ रहा है बेटा? सर्किट को कनेक्ट करने का तरीका, दो तरीके से सर्किट कनेक्ट की जाती है, मतलब डायोड की हम बात करते हैं, दो तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव को कनेक्ट कर सकते हो नेगेटिव साइड, तो इस सिचुएशन को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर आप पॉजिटिव वाले हिस्से को कनेक्ट करते हो नेगेटिव साइड और नेगेटिव को कनेक्ट करते हो पॉजिटिव साइड, इसको कहते हैं रिवर्स बायस। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? रिवर्स बायस। क्लियर बेटा? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, एवरीवन, ठीक है बच्चा? हाँ। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द गौरव बेटा, मैंने बायसिंग की डेफिनेशन बताई, पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है इसको हम कहते हैं बायसिंग, राइट? पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, राइट? इसको कहते हैं बायसिंग। समझ में आ रहा है बेटा? एवरीवन, इसको क्या कहते हैं?
बायस। अब आइए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच में, राइट बच्चा जी, ठीक है ना, हाँ या ना, ओके। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच में थोड़ी सी हम पॉइंटिंग्स देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस वैल्यू, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, राइट बच्चा जी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रेंज के बीच में आती है 10 ओम टू 25 ओम। और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता, और करंट फ्लो नहीं करता तो इनडायरेक्टली मैं ये कहता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। करंट फ्लो नहीं करता, राइट बच्चा जी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। हाय अंजलि बेटा, राइट, आया जो लेट आया मैं उनको ये कहना चाहता हूं, इस सेशन को फिर से देख लीजिएगा, राइट बच्चा जी, जो लेट आया मैं उनको ये कहना चाहता हूं सेशन को फिर से देख लीजिएगा। फॉरवर्ड बायस अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, समझ में आ रहा है, एंड फॉरवर्ड करंट इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, जो बीच में पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस होता है, समझ में आ रहा है ना। फॉरवर्ड बायस उसको कंटिन्यूअसली अपोज करके करंट को सपोर्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल बहुत मोटा प्रोड्यूस होता है, वहां करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर बहुत छोटा होता है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर बहुत छोटा होता है, और रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा होता है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर बहुत छोटा होता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो करंट आसानी से कंस्टिट्यूट हो जाता है, लेकिन रिवर्स बायस में डिप्लेशन बैरियर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को उतनी एनर्जी ही नहीं मिल पाती कि वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सके, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। क्लियर है बेटा। यहां पे फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, दैट इज ओनली द परफेक्ट आइडिया, राइट, दैट इज ओनली द परफेक्ट आइडिया। इसके बारे में और आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट गेट वरीड। देखिए ये आपकी क्या है, फॉरवर्ड बायस का एक विजुअलाइजेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, राइट, फॉरवर्ड बायस का एक विजुअलाइजेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, राइट बच्चा जी, हाँ ना, फॉरवर्ड बायस का एक विजुअलाइजेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं, राइट, हाँ, ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये देखिए आपको पी पी को कनेक्टेड है, एन एन को कनेक्टेड है, तो ये एक तरीके की कौन सी बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। पी पी को कनेक्टेड है, एन एन कनेक्टेड है, राइट बच्चा जी, तो ये एक तरीके की क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस हो गई। कौन सी बायस हो गई भाई, ये एक तरीके की फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, समझ में आ रहा है बेटा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन बैरियर, यहाँ पे जो डिप्लेशन बैरियर होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही पतला होता है, इसलिए करंट आसानी से कंस्टिट्यूट होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार विजुअलाइजेशन में भी दिखा देता हूं। देखो ये जो शेडो जा रहा है ना, ये जो लाइटिंग जा रही है ना बेटा, ये जो लाइटिंग जा रही है ना बेटा जी, वो पूरी जा रही है, समझ में आ रहा है, ये जो लाइटिंग जा रही है ना बेटा, वो समझ में आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स इज देयर, ये जो लाइटिंग जा रही है, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिवर्स बायस में नो करंट फ्लो, देखो रिवर्स बायस में देखो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो, राइट बच्चा जी, इन रिवर्स बायस, समझ में आ रहा है, रिवर्स बायस में किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होगा। देखो डिप्लेशन जो डिप्लेशन रीजन है, राइट बच्चा जी, ये जो डिप्लेशन रीजियन है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ये जो डिप्लेशन रीजियन है, इसकी विथ देखो कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या होल्स क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है ना, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसलिए विजुअलाइजेशन एकदम स्टिल है, कुछ भी नहीं, इसलिए विजुअलाइजेशन एकदम स्टिल है बेटा, कुछ भी नहीं। क्लियर बेटा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट, हाँ, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, क्लियर है बेटा एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे एवरीवन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करना, राइट, पिया, राइट बच्चा जी, हाँ या ना, पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करना, दो तरीके से कनेक्ट होता है, फॉरवर्ड बायस, पी को पी के साथ, पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ, फॉरवर्ड बायस, डिप्लेशन बैरियर छोटा, करंट आसानी से कंस्टिट्यूट होगा, राइट, सेकेंड रिवर्स बायस, राइट बच्चा जी, हाँ ना, सेकेंड क्या है, रिवर्स बायस, ठीक है बच्चा जी, सेकेंड क्या है, रिवर्स बायस, डिप्लेशन बैरियर बहुत मोटा हो जाता है तो करंट कंस्टिट्यूट नहीं करता। अब डिप्लेशन बैरियर मोटा हो रहा है तो इस रिवर्स बायस की कंडीशन की वजह से, राइट, कि रिवर्स बायस में हमें करंट फ्लो नहीं होता,
इसकी वजह से हमें एक नई चीज बाहर आई है, राइट बच्चा जी, आई ना, जिसको हम कहते हैं जेनर डायोड। समझ में आ रहे ना बेटा? इसके लिए एक नया डायोड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं जेनर डायोड, राइट। ये जेनर डायोड क्या है, राइट बच्चा जी, वो भी देख लेते हैं किस तरीके से वो रिप्लेस करता है पीएन जंक्शन डायोड को। पीएन जंक्शन डायोड की एक सबसे ज्यादा लिमिटेशन ये है कि वो रिवर्स बायस में वर्क ही नहीं करता, वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, जिसका ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, राइट बच्चा जी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स बायस में भी वर्क करवाना है हमें, हमारा ये मोटिव है कि हमें रिवर्स बायस में भी वर्क करवाना है, हमारा ये मोटिव है बच्चा जी कि हमें रिवर्स बायस में भी वर्क करवाना है, राइट। तो उसके लिए, राइट बच्चा जी, है ना, हमें एक नई इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट बाहर आ रहा है जिसको हम कहेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड के बाद फोटो डायोड देखने वाले हैं, सारी बच्चे देखने वाले हैं, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, ठीक है ना, ओके, ध्यान से सारे बच्चे इधर जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे भाई, एवरीवन। रिवर्स ब्रेकडाउन की हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, रिवर्स ब्रेकडाउन की हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर रिवर्स बायर्स में कंटिन्यूअसली करंट बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, राइट, ये रिवर्स ब्रेकडाउन जेनर डायोड में ही होता है, राइट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं भाई, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में सबकी चीजें क्लियर है, राइट, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में सबकी चीजें क्लियर है, राइट। व्हेन अ रिवर्स बायस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑल्सो इंक्रीज। जेनर डायोड में क्या होता है, डिप्लेशन बैरियर मोटा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवर्स बायस में आप करंट की वैल्यू मैक्सिमम दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। एट सम स्टेजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कैरियर्स आर जनरेटेड, द लार्ज अमाउंट ऑफ द कैरियर्स आर जनरेटेड एंड दिस कॉजेज अ लार्ज करंट टू फ्लो। दिस मैकेनिज्म इट इज नोन एज द जेनर ब्रेकडाउन। रिवर्स डायरेक्शन में हमने करंट को बढ़ाए 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 बढ़ाए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी डिप्लेशन बैरियर पे, राइट, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी और तुरंत रिवर्स बायस में, राइट बच्चा जी, चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट हो गए। तो एक उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और तुरंत चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकडाउन, वहां, राइट बच्चा जी, हाँ ना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, वहां ये कहते हैं ब्रेकडाउन, समझ में आ रहा है बेटा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, राइट, यहां जवाब दे देंगे, ठीक है बच्चा जी, हाँ। अब रिवर्स ब्रेकडाउन, राइट बच्चा जी, एंड द स्पेशल पर्पसेस, जेनर डायोड की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो रिवर्स बायर्स में भी करंट देता है, जेनर डायोड। कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवर्स बायस में भी वो करंट देता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सीधा फोटो डायोड की तरफ जाएंगे, समझ में आ रहा है, राइट, फिर हम सीधा कहां जाएंगे, फोटो डायोड की तरफ जाएंगे, राइट बच्चा जी, हाँ, सीधा हम कहां जाएंगे, फोटो डायोड की तरफ जाएंगे, क्लियर बेटा, चलिए आइए, जेनर डायोड की अगर मैं बात करता हूं, राइट बच्चा जी, इसकी एक ही स्पेशलिटी है, कंस्टिट्यूट द करंट इन टू द रिवर्स डायरेक्शन, कंस्टिट्यूट द करंट इन रिवर्स बायस, कंस्टिट्यूट द करंट इन टू द रिवर्स बायस, राइट बच्चा जी, कंस्टिट्यूट द करंट इन टू द व्हाट, रिवर्स बायस, ये इसकी सिंबॉलिक नोटेशन है, राइट, ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन है जेनर डायोड का, समझ में आ रहा है, जेड टाइप ऑफ सिंबल आता है। और मैं एक बात बता दूं, सारे सेमीकंडक्टर्स वन एंड ऑन एक तरीके के क्रिएटेड ही हैं, दे आर नॉट डिस्कवर्ड, ये चीज हमेशा याद रखना, दे आर नॉट डिस्कवर्ड। और आपको देखो वी आई का ग्राफ दिख रहा होगा, वी आई ग्राफ दिख रहा होगा बच्चा जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइन दिख रही है, राइट, ये बताती है कि जेनर डायोड रिवर्स में वर्क करता है, समझ में आ रहा है ना, ये जो बता रही है वो क्या है, जेनर डायोड रिवर्स में वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा, है ना, ये क्या बता रही है, जेनर डायोड रिवर्स में वर्क कर रहा, समझ में आ रहा है। शुभम ठाकुर कह रहा है बेटा नोट्स डाल दीजिए सर, बेटा नोट्स को करने का तरीका थोड़ा अलग आ गया है, राइट बच्चा जी, आप जो टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारा, राइट,
वहीं शायद हम नोट शेयर करते हैं, काफी बच्चे आप पूछते हैं काफी क्लासेस में, तो मैं उनको ये बता दूं, राइट बच्चा जी, तो वहां शेयर करते हैं, तो मैं भी कुछ टाइम में वहां सारी नोट शेयर कर दूंगा, डोंट गेट वरी, राइट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बेटा, ज़ेनर डायोड, राइट। हाँ ना, इसका एक विजुअलाइजेशन है, कुछ ज्यादा नहीं, देखो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन दिखा रहा है ना, राइट बच्चा जी, यहाँ पे देखो ये विजुअलाइजेशन दिखा रहा है ना, राइट। अब ध्यान से देखिए, रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चा जी। हाँ ना एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट बच्चा जी, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, ठीक है बच्चा जी। ये विजुअलाइजेशन है, टेंशन मत लीजिए, सेमीकंडक्टर में हमने अभी सर्किट पार्ट नहीं देखा है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन उषा राय पूछ रहे, सर बताओ प्लस ज्वाइन करूं, कर लो बेटा, क्यों नहीं, मोर देन 2.5 लाख पीपल आर देयर ऑलरेडी ऑन प्लस, समझ में, मोर देन 2.5 लाख पीपल आर देयर ऑन प्लस, समझ में आ रहा है, राइट। तो वाई शुडंट, ये पूरी अलग दुनिया है बेटा, राइट। चलिए आगे चलते बेटा, राइट। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट बच्चा जी, हाँ ना, ठीक है ना, ज़ेनर डायोड को एकदम हैविली अडॉप्ट किया जाता है। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि भैया ज़ेनर डायोड रिवर्स बायस में क्यों वर्क करती है, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा ना कि, राइट बच्चा जी, ठीक है ना, कि ज़ेनर डायोड में क्यों, ज़ेनर डायोड रिवर्स बायस में क्यों वर्क करती है, समझ में आ रहा है ना एवरीवन, ठीक है ना एवरीवन, राइट बच्चा जी, एवरीवन, सारे बच्चे यहां प्रेजेंट है, धीरे 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 आप लोगों को पकड़ लीजिएगा, राइट। हाँ ना, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से देखिए, Why is Zener diode work into the reverse direction? अरे why it is heavily doped? Main Zener diode का purpose यही है, उसको reverse direction में work करवाने, इसलिए उसको heavily doped। High impurities उसमें add की जाती है, जिसकी वजह से ही depletion barrier छोटा होता है और एक electric field produce होती है, right बच्चा जी, and reverse direction में Zener diode में हमें current मिलता है, right? Reverse direction में हमें current मिलता है, ठीक है बच्चा जी, क्लियर है एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट। चलो तो इसका भी ये, इस पे बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो बेटा डायोड का हिस्सा यहां खत्म होता है, अब हम चलते हैं एलईडीज की तरफ। ये एक स्पेशल तरीके की डायोड्स होती है, जिसको बोलता है लाइट एमिटिंग डायोड्स, राइट। लाइट एमिटिंग डायोड्स और फोटो डायोड्स की एकदम रिवर्स फिनोमिनाज होती है, राइट। लाइट एमिटिंग डायोड्स और फोटो डायोड्स की, राइट बच्चा जी, हाँ या ना, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड्स की, राइट, एक रिवर्स फिनोमिना होती है। क्या है वो रिवर्स फिनोमिना, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम एलईडी देख लेते हैं, राइट बच्चा जी, व्हाट इज एलईडी? व्हेन अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द होल ऑफ द वैलेंस बैंड द एनर्जी मे बी एमिटेड एज अ फोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, राइट। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन टू द होल इन वैलेंस बैंड। अगर किसी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, समझ में आ रहा है, वहां से वैलेंस बैंड में अगर फॉल करता है तो यहां से एक तरीके की एनर्जी रिलीज होती है, E इज इक्वल टू एच एफ। This energy it is into the form of light, right? जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड पे फॉल करेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, जैसे ही, राइट बच्चा जी, इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस से वैलेंस बैंड में फॉर्म करेगा, राइट बच्चा जी, आया ना, सो E इज इक्वल टू एच एफ, राइट, E इज इक्वल टू एच एफ, राइट बच्चा, आया ना, एनर्जी रिलीज होती है। इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए हमें यहां पे अलग अलग कलर की राइट मिलती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू द लाइट। लाइट एमिटिंग डायोड का, राइट बच्चा जी, एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है। क्लियर बेटा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन से वैलेंस बैंड आ रहा है, तो एनर्जी एमिट हो रही है। अब एनर्जी एमिट हो रही है तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, एनर्जी एमिट हो रही है, राइट, तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, हाँ ना, अलग अलग वेवलेंथ की निकलती है, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट होते हैं,
और वो अलग अलग लाइट मिक्स है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। अगर जो रेडिएशन निकलते हैं वो 4000 एमस्ट्रॉन्ग और 7000 एमस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्टली वो विजिबल रीजियन में अगर आते हैं, राइट, इनडायरेक्टली अगर वो विजिबल रीजियन में अगर आते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो वो एक तरीके का विजुअल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर जो रेडिएशन निकल रही है वो विजिबल रीजन में आती है वो एक कलर की लाइट छोड़ेगी, या तो रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, इसको कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। और ये जो रेडिएशन निकलती है वो हमें आउटपुट के तौर पर मिलती है, समझ में आ रहा है बेटा। तो जो रेडिएशन निकल रही है वो हमें क्या मिल रही है, आउटपुट के तौर पर मिल रही, क्लियर बेटा एवरीवन, राइट। इसका पहले विजुअलाइजेशन देख लेते हैं बच्चा जी, हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना एवरीवन बेटा, एवरीवन, सारे बच्चे जो इधर प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, हाँ है ना। देखो ये आपको सामने कुछ दिख रहा है ना, लाइट एमिटिंग डायोड का, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, लाइट एमिटिंग डायोड का कुछ सिंपल सी चीजें दिख रही है बेटा एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो बता देंगे, राइट बच्चा जी, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो बता देंगे, राइट। ये आपको विजुअलाइजेशन में एलईडी दिख रही होगी, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट में, इसके पीछे का मैकेनिज्म मैंने ऐसे बताया, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन फॉल करता है वो और एनर्जी रिलीज करता है, ध्यान से सुन लो बेटा, एक बार रिपीट करता हूं, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, जनरली वैलेंस से कंडक्शन जाता है, यहां पे उल्टा हो रहा है, कंडक्शन से वैलेंस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ठीक है बच्चा जी, आया ना, समझ में आ रहा है ना, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना ये मल्टीपल वेवलेंथ की होती है, अगर ये विजिबल रीजन में लाई करेगी, ओके, पीछे का इंफ्रारेड रीजन वो मैं समझा देता हूं, डोंट गेट वरीड, लेकिन अभी आप विजिबल रीजन की हम बात करेंगे। क्या ये विजुअलाइजेशन क्लियर है बेटा एवरीवन, क्या ये विजुअलाइजेशन क्लियर है, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट, हाँ है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट, राइट, ऑलरेडी आई सेड बिफोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट, इसके पीछे का फिनोमिना क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको। सो दिस वॉज द समराइज फॉर्म ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड। अब आगे इसके रिवर्स फिनोमिना फोटोडायोड में होती है, इसकी रिवर्स फिनोमिना फोटोडायोड में होती है। आप एलईडी का मैं अगर आपको एग्जांपल्स बताऊं, बड़े बड़े शादियों में आप गए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती है, राइट, उसके पीछे आपको छोटे 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 डॉट्स दिखते हैं, इसके पीछे पूरी माइक्रोप्रोसेसर सर्किट्स रहती है भाई, बहुत बड़ा बड़ा अरेंजमेंट होता है, राइट बच्चा जी, हाँ ना, और उससे इन एलईडीज को कंट्रोल किया जाता है, एंड द कलर्स दे डिस्प्लेस द स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट, राइट बच्चा जी, दे डिस्प्लेस द स्पेसिफिक कलर ऑफ द लाइट। अब इसका पूरा रिवर्स फिनोमिना हो रहा है, आपने जब शादियों में जाके वो देखा होगा लाइट एमिटिंग डायोड्स लगे रहते हैं, यार एलईडी का तो बस बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर की टीवीज, राइट, दे आर द परफेक्ट एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स, राइट, उसके पीछे का मैकेनिज्म आपको इंजीनियरिंग में जाओगे तो आएगा, राइट बच्चा जी, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्शन होती है वगैरह वगैरह, राइट बच्चा जी। तो फोटो डायोड इज अ डायोड हुज फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द लाइट फॉलिंग ऑन इट। द फोटो डायोड इज अ डायोड हुज फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय लाइट फॉलिंग ऑन इट। उल्टा है, वहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट दे रही थी, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था, लाइट मिल रही थी, यहां पे उल्टा है, लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पीछे करंट मिल रहा है, भले वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट होगा, लेकिन यहां पे लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमें करंट मिल रहा है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द फोटो डायोड, राइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फोटो डायोड, क्लियर बेटा एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, राइट एवरीवन, ठीक है। तो फोटो डायोड में कंप्लीटली एक रिवर्स फिनोमिना है, द लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा इज सफिशियंट टू ब्रेक द वैलेंस बॉन्ड फॉल्स ऑन द जंक्शन। जैसे ही लाइट प्रोजेक्ट की जाती है जंक्शन पे, समझ में आ रहा है ना, वो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो काफी होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वो वेवलेंथ एकदम काफी होती है, समझ में आ रहा है ना।
और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एलसीडी स्क्रीन, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके पीछे का एक लिक्विड होता है। पुराने अगर आप 5-7 साल पहले की बात करोगे राइट बच्चा जी, तो अगर पहले स्क्रीन टूटती थी ना तो वहां लिक्विड निकलता था, वो सारी एलसीडी स्क्रीन होती थी। अभी की जो एलईडी स्क्रीन है ना, उसको आप मुक्का मारोगे, खैर कोई इतना मारेगा नहीं, मुक्का मारोगे तो वहां से लिक्विड ही नहीं निकलते, दे आर लाइट एमिटिंग डायोड्स। 5-7 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो एलसीडी स्क्रीन्स होती थी राइट बच्चा जी, वो क्या होती थी राइट, एलसीडी स्क्रीन्स होती थी राइट बच्चा जी, आप समझ सकते हो ठीक है बच्चा जी। तो यहां पर एक उल्टा फिनोमिना हो रहा है, जैसे ही लाइट प्रोजेक्ट करोगे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगी। Yes, ये आपको फोटोडायोड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आएगा, आगे के जब हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे समझ में आ रहे हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आगे आएगा, डोंट गेट वरी समझ में आ रहे हैं। लेकिन यहां पे सेमीकंडक्टर में दिया हुआ है राइट बच्चा जी, ठीक है ना, और सर्किट में बॉन्ड ब्रेक होने से जो न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिल रही है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, वहां पे हमें एक नया करंट मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं समझ में, लाइट जो प्रोजेक्ट हो रही है, लाइट जो प्रोजेक्ट हो रही है समझ में आ रहा है ना, लाइट जो प्रोजेक्ट हो रही है ठीक है बच्चा जी, उससे जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट जो प्रोजेक्ट हो रही है उसमें से जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है समझ में आ रहा है ना, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है बच्चा जी, है ना, एवरीवन ठीक है ना, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। तो लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड वो पूरी इंपल रिवर्स चीज है, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड वो पूरी एक रिवर्स चीज है। देखिए विजुलाइजेशन आपको लाइट एमिटिंग डायोड राइट बच्चा जी, हाँ ना, और फोटो डायोड, ये आपको फोटो डायोड के बारे में एक्सप्लेन करेगा। देखो एक सर्किट है, बल्ब कनेक्टेड है, जैसे भी आप टॉर्च से देखो, ये रियल वर्ल्ड की फोटो डायोड होती है, दिस इज अ रियल वर्ल्ड फोटो डायोड, समझ में आना, रियल वर्ल्ड फोटो डायोड समझ में बेटा, ठीक है ना, हाँ समर्थ बेटा, बस थोड़ा ही है फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे, डोंट गेट वरी। टाइप्स ऑफ डायोड होती है बेटा, सेमीकंडक्टर का काफी हिस्सा थियोरिटिकल है, लेकिन ये क्या सर्किट बेस्ड होता है ना, इसलिए मैंने सोचा पहले कदम करते फिर इसके बाद शांति से ऑप्टिक्स राइट, डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियाई सारा करते रहेंगे, समझ में बेटा क्लियर है सारे बच्चे जो प्रेजेंट है। तो देखो टॉर्च लाइट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो नहीं करता तो बल्ब कैसे ग्लो करता, समझ में आ रहा है ठीक है ना। पुनीता बेटा क्या प्रॉब्लम हुई आपको क्लास 11th में राइट, जो आप पूछ रहे हो सर क्लास 11th को पढ़ाते हो, क्या प्रॉब्लम हुई बेटा क्लास 11th में पुनीता, एनी आंसर इन टू द कमेंट बॉक्स। ओके सो रियल वर्ल्ड आपको बजा सारे बेटा, ये विजुअलाइजेशन क्लियर है बेटा एवरीवन, क्या ये विजुअलाइजेशन क्लियर है बेटा, ले रहे बेटा सारे बच्चे, ये दिखा देना ये विजुअलाइजेशन। अब आगे एक और फोटोडायोड का एक और विजुअलाइजेशन है बेटा, हाँ ना, एक्चुअली एक तरीके का सिमुलेशन है राइट, ये एक तरीके का सिमुलेशन है, लेकिन मैं लाइव सिमुलेशन आपको दिखा देता लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, आई हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट राइट एंड टू मूव ऑन इट राइट। आई दीप ओके बच्चा, हाँ ना, ये एक तरीके का सिमुलेशन है, लेकिन आपको ये विजुअलाइजेशन देख के राइट बच्चा जी, पुनीता शर्मा आप अच्छा पढ़ाते हो, चलो थैंक्स पुनीता, थैंक्स अ लॉट राइट बच्चा जी, किसी को तो फिजिक्स समझ में आ रही है समझ में आ रहा है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से हैं उनको पता है ना कि आईएएस भैया क्या है, और मुझे किसी के सामने बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूं राइट। चलिए बाकी चलता रहता लाइफ है ठीक है ना, नमो सर कहते हैं ना राइट बच्चा, नमो सर कहते हैं राइट, एंड आई स्ट्रिक्टली आई एम अ फैन ऑफ नमो सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग राइट, आई एम अ फैन ऑफ हिम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज उनके जो मोटोज हैं वो हर बार कहते हैं क्या, लाइफ इज अ साइन वेव, उतार चढ़ाव आता रहता है, समझ में आ रहा है ना ठीक है ना बेटा। चलिए तो गाइज आज का हमने जो पढ़ा राइट बच्चा जी वो रिकॉल करवा लेते हैं राइट, हाँ ना ठीक है ना, हाँ ना, चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। होप सो आज का लेक्चर में आपको मैंने जितनी भी डायोड्स बताई वगैरह, शाम को यार आ जाना बिल्कुल 6 बजे मस्त लाइफ चेंजिंग सेशन है आपके लिए, तो जरूर 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 अटेंड करना राइट बच्चा जी, हाँ यस, everyone is the best, namo sir is a great, I mean say the great, greatest, goodest, a non-technical word, right bachcha ji, goodest,
ओके समझ में आ रहे ना ये ना बच्चा जी. यस यस एवरीवन एवरीवन. अरे यार इज अ ग्रेट पर्सन यार, मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है. वो आपको पढ़ा रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है. मतलब इज अ ही अप टू द नेक्स्ट लेवल पर्सन, राइट? ही इज अप टू द नेक्स्ट लेवल पर्सन, आई मस्ट से द नेक्स्ट लेवल. समझ में आ रहे ना. अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपकी चैनल्स चल रही है वगैरह वगैरह वगैरह, उन सबको अकेले टक्कर दे सकते हैं हमारे सर, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है. यही तो उनकी पॉजिटिविटी है, राइट? यही तो उनकी पॉजिटिविटी है. चलिए, सो गाइज यहाँ पे रिकॉल पीएन जंक्शन डायोड हमने देखा, पोटेंशियल बैरियर, डिफ्यूजन करंट वगैरह हमने देखा, राइट बच्चा जी? हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना. फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस देखा, राइट बच्चा जी? हाँ ना. ज़ेनर डायोड देखा वगैरह, उसके विजुअलाइजेशंस देखे, क्यों ज़ेनर डायोड को हैवीली अडॉप्ट किया जाता है ये भी मैंने बताया, राइट? लाइट एमिटिंग डायोड्स, फोटो डायोड्स मैंने बताई, राइट बच्चा जी? हाँ ना. तो ये सारी चीजें हमने देखी. ये हमारी 11 का टाइम टेबल है, ये हमारी 12 का टाइम टेबल है. भैया डेली 3 PM को मैं आता हूँ फिजिक्स पढ़ाने, राइट बच्चा जी? ऑसम विजुअलाइजेशंस के साथ फिजिक्स पढ़ाई जाती है, राइट बच्चा जी? हाँ ना. तो जरूर 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 पढ़ लिया करो, है ना. ये हमारी KVBI का टाइम टेबल है. अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो गाइस टेलीग्राम ऐप है, कुछ इस तरीके से दिखती है, राइट बच्चा जी? इससे आप हमसे कर सकते हैं सीधी. ओके गाइस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ. सी दिस इज अ पर्सन, ग्रेट पर्सन, राइट? ठीक है ना. सैल्यूट द रोडी, सैल्यूट द ग्रैंड सैल्यूट टू दिस पर्सन. कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं. लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस एंड अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, राइट बच्चा जी? और सिंपल सी चीज है, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं यहाँ लाइव क्लासेस, मेरी भी क्लासेस चल रही है, जुड़ना कैसे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए प्लस की कैटेगरी, सिलेक्ट कीजिए 11 and 12 और कर दीजिए सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करते वक्त गाइज अगर आप 9th स्टैंडर्ड में है तो आप 4 year का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा यूजिंग द कोड इज लाइव. अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो 3 year का कोड ले, 3 year का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा यूजिंग द कोड इज लाइव, राइट बच्चा जी? हाँ है ना, ठीक है ना. आप 2 year के है ना, आप कोड यूज कर दीजिएगा इज लाइव. आप 1 year के हैं बच्चा, यूजिंग दिस कोड इज लाइव. गाइज इस लाइव कोड आपके सामने है, राइट? इसको आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. इस लाइव इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव. चलिए गाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के भाई जरा भी पैसे नहीं लग रहे हैं, ये बटन तुरंत दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा मैं एकदम #, लाइव स्कूल. ओके गाइज, और सिंपल सी चीज है, राइट बच्चा जी? तुरंत से ये हमारी सिस्टर चैनल्स है, अनअकैडमी, नीट, JEE, 9th, 10th and 11th and 12th. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एंड इट्स ऑल अबाउट लेट्स क्रिकेट. ओके गाइस, दिस इज कोड इज लाइव, इसको सब्सक्राइब करा दीजिएगा. यूज दिस कोड इज लाइव टू गेट अनअकैडमी 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी. चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया. दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क. बाय बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड बच्चा जी. बाय एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ.